ही एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दुर्गा की मूर्ति मिट्टी से कैसे बनाते हैं उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, यानी कि इस वीडियो में हम माँ की मूर्ति को मैंने कलर कैसे किया है इसको कवर करेंगे। तो मिट्टी की मूर्ति बनाने के बाद हम पूरी मूर्ति पर वाइट कलर से पेंट कर देंगे ताकि हम उसके ऊपर जो भी कलर करें वो अच्छे से खिल के आए। अगर हम POP से बनाते हैं तो वो ऑलरेडी वाइट होती है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की बना के उसके ऊपर हमें वाइट कलर से पेंट करना है, तभी हमारा जो कलर्स हैं वो काफ़ी ब्राइट होकर आएंगे और हमारी मूर्ति जो है वो सुंदर लगेगी। तो देखिए, मैंने पूरी मूर्ति पर वाइट कलर से पेंट कर दिया है अच्छे से। उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मूर्ति सूखने के बाद हम सबसे पहले माँ की साड़ी पेंट करेंगे। तो रेड कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर दिया है, जिससे हमारा कलर जो है वो पिंक कलर का हो गया है। तो मैं अपनी माँ की साड़ी पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ। आपको रेड कलर पसंद है तो आप रेड कलर से भी माँ की साड़ी पेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको जो कलर पसंद है आप उनको ऐड कर सकते हैं, बस कलर जो है ब्यूटीफुल लगने चाहिए। तो देखिए, हमने अपनी माँ की साड़ी को कम्प्लीट कर लिया है। उसके बाद हम माँ के ब्लाउज़ को कलर करेंगे। तो ब्लाउज़ को कलर करने के लिए ब्लू कलर से मैंने ब्लाउज़ बनाया है माँ का, तो इसमें भी मैंने ब्लू कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर लिया है, तो थोड़ा सा ब्लू लाइट हो गया है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो देखिए, हम जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा हमें जो ब्लाउज़ का कपड़ा दिख रहा है हम उसको अच्छे से पेंट कर देंगे, कवर कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे पेंट माँ की बॉडी को। तो रेड कलर में हल्का सा येलो कलर मिला लीजिए, यानी कि ऑरेंज कलर बना लीजिए। उसके बाद उसमें ज़्यादा सा वाइट कलर मिला जाए, यानी कि हमें वाइट कलर ज़्यादा मिलाना है, तभी हमारा स्किन कलर जो है वो बन जाएगा। तो हमारे माँ की बॉडी के पार्ट्स जो जो हमें दिखाई दे रहे हैं उन पे सब पर स्किन कलर का पेंट कर देंगे अच्छे से। हाथ पर और चेहरे पर मैं अच्छे से पेंट कर रही हूँ। माँ की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं हम सब पेंट कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए, उसके बाद हम करेंगे अपने जो शेर बनाया है हमने उस पर पेंट। तो शेर को मैं येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन कलर से भी पेंट कर सकते हैं, मैंने येलो किया है, एकदम ब्राइट येलो। आप येलो कलर में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके भी डार्क येलो बनाकर आप पेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो शेर के जो बाल हैं उनको ब्राउन कलर से पेंट किया है और बाकी शेर की जो बॉडी है वो येलो कलर से पेंट की है। मैं ज़्यादातर ब्राइट कलर से यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। तो अब देखिए, जो माँ का बेस बनाया हमने, जिन पर माँ को खड़ा किया है, उस बेस को मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ अच्छे से। हम पूरे बेस को ग्रीन कलर से कवर कर देंगे। ये माँ शेर के नीचे जो हमने सपोर्ट लगाया है उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि उस पर जो माँ है उनका सारा वेट जो है वो उस पर होगा, इसीलिए हम उनको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमने जो भी माँ के औजार बनाए हैं उसको मैं येलो कलर से पेंट कर रही हूँ, और बाद में मैं इसमें गोल्डन कलर ऐड कर दूँगी। जो बच्चों वाले रंगीला कलर्स आते हैं उसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों होता है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं अच्छे से, वो कलर जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं इन कलर्स में। तो देखिए, अब मैं माँ के बाल को पेंट कर रही हूँ। तो बाल बनाने के लिए भी मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है, ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया है, ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो आप भी चाहें तो आप कैसे भी कलर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने माँ के गले में जो माला बनाई है उसको पेंट करेंगे। तो उसको मैंने पूरी तरीके से वाइट कर दिया है ताकि वो कुछ वाइट कलर के फूलों की माला का लुक दे। तो देखिए, मैंने का पेंट कर दिया। उसके बाद बीच बीच में रेड और ग्रीन लगा दिया है ताकि ऐसा लगे कि उसमें रेड कलर के रोज़ और लीव्स लगी हुई हैं, तो वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। अब हम माँ की जो हमने साड़ी बनाई है उसमें, देखिए मैं बोल रही थी ना आपसे रंगीला कलर मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, तो ये गोल्डन और वाइट कलर काफ़ी अच्छा है सिल्वर कलर। तो मैं माँ की साड़ी में डिटेलिंग कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, इसको लगा दीजिए तो ऐसा थोड़ा मतलब सिल्वर कलर का उसमें शाइन आ जाएगा, तो जो साड़ी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। तो देखिए, अब हमारे जो औजार हैं, हमने माँ का मुकुट बनाया है उसमें मैं गोल्डन कलर ऐड कर रही हूँ, जिससे गोल्डन कलर की शाइन आ जाएगी, तो हमारे औजार जो है वो कुछ असली से लुक देंगे। त्रिशूल मैंने अभी नहीं लगाया है, त्रिशूल बनके तैयार है लेकिन मैं बाद में इसको ऐड कर दूँगी। तो देखिए, मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। अब हम डिटेलिंग कर लेंगे छोटी छोटी सी। सबसे पहले मैंने शेर के मुँह को डिटेलिंग की है, तो उसके बाद मैंने जो माँ को चूड़ियाँ पहनाई हैं उसको मैं रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो गोल्डन भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने तो रेड कलर ऐड कर दिया है सभी में, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही थी। उसके बाद हमने जो साड़ी बनाई है माँ की और ब्लाउज़ बनाया, तो उसको मैं ब्लैक कलर से डिटेलिंग कर रही हूँ। ब्लैक कलर ज़्यादा नहीं दिखेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ ताकि वो अच्छा लगे देखने में।
तो देखिए मैंने अच्छे से डिटेलिंग कर दी है, छोटी छोटी सी जो भी है डिटेलिंग आप कर दीजिए। जैसे मैंने माँ के हाथ में आलता लगा दिया है और नेल पेंट लगा दी है, तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी डिटेल पूरी करके अपनी मूर्ति को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हम माँ का फेस तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने बहुत आराम से आप फेस को तैयार कर लीजिए फिर हल्के हाथ से, तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने फेस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये गोल्डन कलर का ट्यूब था जिससे मैंने माँ के जो भी औजार वगैरह हैं, मुकुट वगैरह है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा स्पार्कल जो है वह ऐड कर दिया है, डॉट डॉट लगाकर या फिर लाइनिंग्स बनाकर। तो ये सूखने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। और कुछ छोटे छोटे से स्टोन पड़े हुए थे तो मैंने फेविक ग्लू से उस स्टोन को भी लगा दिया है। तो मैंने दो माता बना के तैयार की हैं, दोनों में से आप बताइए कौन सी अच्छी है। वैसे तो माँ सभी अच्छी होती हैं, मगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कमी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश की है, आप लोग भी अपने घर में कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ नवरात्रि, जय माता की।